इतना खुश हो गया मुझसे तो इतना दुखी में बोल रही है। अच्छा क्या ना दोनों बिगड़ गए, एल्गो का भी और जावा का भी। आपका इसका तो अच्छा ही जाता है। अच्छा क्या ना इसका जावा का हाँ अच्छा, गया। अच्छा जाता है हर समय अच्छा जाता है। तो पेपर कैसा गया इसका? अच्छा गया भाई सब। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में ना, अभी तो मैं पूजा करके जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि आज ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे मंदिर जाने हिस्ट्री होता है मेरे लिए, और आज एग्ज़ाम भी हमारा, और दो उस दिन तो दो पेपर था, आज तीन तीन पेपर है, और तीनों थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिस वाला सारा, मतलब सारा पेपर ना प्रैक्टिस वाले, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, इतना तो फिक्स है। तो आज तीन दिन पेपर है, मतलब लगातार बीच में मुझे लगता है आधे घंटे का गैप, और तीन पेपर है। तो कॉलेज चलेंगे, कॉलेज तो जाना है, क्योंकि पेपर देने तो वहीं जाना है, लोगों का रिएक्शन भी देखेंगे कैसे पेपर गई, और रिजल्ट भी पूछेंगे, क्योंकि कल ना फर्स्ट टाइम की रिजल्ट आई है, तो पता नहीं, बहुत लोगों का अच्छा भी आया, बहुत लोगों का बुरा भी आया, मेरा थोड़ा सा अच्छा मार्क्स नहीं आया भाई, तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ नहीं आया बस। तो सबसे पूछें कैसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे मुझे नहीं लगता कि सब हैप्पी होंगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे भी हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि आरजीबी का एक अलग ही कहानी चलता है, जो कि एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको नहीं बोल सकता हूँ, मैं वीडियो लॉ में तो बोल ही नहीं सकता, कुछ बातें प्राइवेट रहे तो अच्छी होती है, क्योंकि नहीं बोली जाती सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा बस समझ लो आप। तो फाइनल भी मैं पूजा कर चुका हूँ, जाता हूँ रूम, फ्रेश तो हूँ ही, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो भी हो देखता हूँ, अदरवाइज रेडी हो जाऊँगा, पढ़ाई कुछ कर लेता हूँ, फिर देन कॉलेज में भी जाके पढ़ाई करना, क्योंकि 9:30 से फिर पढ़े पहुँच जाएंगे, 8:30 तक, 8:30 मतलब 8:45 तक पहुँच जाएंगे, तो फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो सबसे पहले रूम पे चलते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं और पढ़ाई करके निकलते हैं बस के लिए, देन कॉलेज पहुँचने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। अभी हमारी एम सी बिल्डिंग ना पूरी खाली रहती है, क्योंकि हमारी मिड सेम चल रही है, अभी ना सेकेंड है, जो कि आज तीन पेपर है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो हमारी एग्ज़ाम ना मेन बिल्डिंग में, मैं अभी एम सी बिल्डिंग कुछ काम से आया था अपने मार्क्स को लेके कुछ कहना, तो अभी हम कैंटीन का भी सिचुएशन देखेंगे ना, तो जहाँ पे खाना खाते हैं रोलर लोग रख के, वहाँ पे मतलब बुक्स नोटबुक दिखेंगे खुले हुए, मतलब इनफैक्ट फ़ोन, मगर कभी किसी के फ़ोन में भी तो मुझे ये भी नहीं दिखता कि कोई सोशल मीडिया भी चल रहा हो, सब नोट्स समथिंग, मतलब जब भी एग्ज़ाम के टाइम होते हैं ना, तो एक दो दिन मतलब बहुत हार्ड वाली वो सिचुएशन। जिस फैकल्टी से मैं मिलने गया था एक छोटी मैम से, वो रास्ते में मिल गया भाई, तो मुझे फिर रोकना पड़ा कैमरा, मैं अभी चल रहा था कैंटीन के पास, क्योंकि आपको कैंटीन का सीन दिखा रहा हूँ, कि कैंटीन में जब अभी मैं एंट्री करूँगा ना, तो पूरा मतलब पढ़ने वाला थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते सबसे पहले कैंटीन की तरफ, फिर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, और हमारे बहुत सारे फैकल्टीज जो अभी बगल से गुजर रहे थे, तो वैसे बोलने में वो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है हो जाती है कभी, मतलब दोस्त वोस्त हो तो दिक्कत नहीं जाती, फैकल्टी जब गुजरते हैं तो वैसे बोलने में आवाज़ लड़खड़ा जिसको बोलते हैं वो बोल सकते हैं। अभी हम चलते कैंटीन की तरफ, कैमरा मूव करते हैं और कैंटीन की तरफ देखो कि कैसे लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा देखना हो, ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा ही देखना आप, क्योंकि मज़ा आने वाला भाई, आज का जो सीन होता है ना अल्टीमेट लेवल का होता है। देखो एंट्री करते देखो कॉपी खुला है, बहुत कम लोग खा रहे होंगे, सब नहीं करना भाई, किसी को बोलना नहीं, बस देखो आप ये लग रही है तो नहीं पूरा है, नहीं गुस्सा वाला लोग है उसको नहीं लेना, तुमको कौन ले रहा है, तुमको कौन ले, कैमरा बंद करके ले रहा है लोग, देखो नीचे पर भी हम तुम्हें ले लेंगे। चलो ना ऐसे कुछ माहौल दिखता है भाई कैंटीन का, कैंटीन में देखो कोई खाने से ज़्यादा ना मतलब ऐसे पढ़ाई वाला माहौल दिखता है, मतलब पूरे माहौल पढ़ाई वाले, क्या समोसे की पानी अंदर माठा मिलता है, माठा मिलता, माठा नहीं चाहिए, बस देख रहे हैं कैंटीन में खाने की जगह लोग पढ़ रहे हैं, ये दिखा रहा भाई, तुम देख रहे हो पटाखू, इनफैक्ट इंस्टाग्राम की जगह मोबाइल में नोट्स खुल रखा है, देख रहा है भाई। देखो ऐसा है कि अभी हम बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि एक्चुअली अभी एग्ज़ाम दिए हैं और इसी सीट पर बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया, तो सब लोग जो पढ़ रहे हैं सब यहीं पे एग्ज़ाम दिया, अपने सीट पे बैठे हैं, बट बाहर निकल के वीडियो इसलिए नहीं बना सकते, क्योंकि टाइम मेरे पास ना बस एक घंटे का, और इसके बाद वाला मैं तो और नहीं निकल सकती, क्योंकि आधे घंटे का टाइम होगा, तो दोनों एग्ज़ाम, क्योंकि आज तीन तीन एग्ज़ाम है, तो तीनों पेपर देने के बाद ही बाहर निकलो, लोगों का रिएक्शन देखो भाई, रिकॉर्डिंग बाद में भी कर लूँगा,
और इसे पढ़ लूँ, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो फिर अभी पेपर है, बस अभी मेरे पास बचे हुए मार्क तो आधे घंटे अभी, तो आधे घंटे तो पढ़ लिया, आधे घंटे और है। मैं सोच रहा हूँ कहीं और अच्छे ए सी जहाँ पे हो वहाँ पे चला जाऊँ, क्योंकि इस रूम में कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे, तो कट भी ज़्यादा लग रही है, ए सी वाले कोई लैब में चला जाता हूँ। और मैं यहीं पर बैठ के एग्ज़ाम दे दिया था, मैं बैग पैक करता हूँ और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, या और ए सी वाले उससे वाले जो जहाँ पे ए सी प्रोवाइड हो उस जगह पर निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना ऐसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा है भाई, हार्ड है यहाँ पे, अभी जल जाओगे धूप में खड़ा रहोगे। तो मैं सोचता हूँ एसी वाले कोई जैसे लैब, देखो ये लैब है ना, मैं इसमें कोई टीचर होंगे उनसे पूछ के इस लैब में चला जाता हूँ, इसमें एसी लगा होगा और इसमें आराम से पढ़ लूँगा, क्योंकि अभी आधे घंटे, आधे घंटे कम्फर्ट जोन नहीं मिलेगा तो भाई पढ़ाई भी नहीं होती। तो अंदर चलते हैं, थैंक यू मैम। फाइनली भाई फिर दूसरे पेपर के टाइम हो गए रेडी, और लोग देखो बच्चे खड़े हैं, अपन को क्या है जाके पढ़ना है, अपने को भी एग्ज़ाम देना भाई, निकलो इससे बाहर और चलो एग्ज़ाम देने के लिए। तो दूसरे पेपर के भी टाइम हो गए, सो प्रिपरेशन तैयारी बहुत मस्त है। हाँ। शुभम की नहीं भाई, मैं तो बैठा एसी में सो रहा था, मुझे क्या, मुझे मैं तो ही ना पढ़ा वो ये सब पढ़ने वाले लोग, और इसी रूम के अंदर फिर से जाके मुझे एग्ज़ाम देना है, कोई नहीं है बस जाके एग्जाम देने, बस टाइम बचे, टाइम टाइम सर टाइम से लेट लेते हैं पता है, 15 मिनट 4 मिनट बचे और जल्दी कॉपी लेते हैं, पता नहीं 2 मिनट पहले एंट्री करवाएंगे जल्दी कॉपी लेते हैं, चलो अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचे। हम कितना खुश हो गए पूछे थे, इतना दुखी में बोल रहे हैं, अच्छा क्या ना आपका, इसका तो अच्छा ही जाता है, अच्छा गया ना इसका जावा का, हाँ अच्छा, गया। अच्छा जाता है हर समय, अच्छा जाता है। तो पेपर कैसा गया इसका, अच्छा गया भाई सब, अच्छा। अपन को ना कॉलेज से मेन घर जाना है, बस सबका पेपर अच्छा ही गया भाई, बताओ जो क्लास में पढ़ाए तो वही सब पेपर में आया, ऐसे फाइनल एग्जाम में आ जाए तो टेंशन ही नहीं होता अगर ऐसा आ जाए तो, क्योंकि ये ईजी था, जितना पढ़े उतना ही आया, बहुत ईजी था, अगर ऐसा सब में आ जाए बस अपने की मूड ठीक होती ना तो बीच में भी रिकॉर्ड करते कुछ ना कुछ, बट टाइम भी नहीं था आज के, मतलब एक घंटे आधे घंटे क्या टाइम होता, उसमें 3 घंटे था तो रिकॉर्ड कर लेता पहले वाले एग्ज़ाम में, अभी तो टाइम भी नहीं था तो दिक्कत तो जाएगी ऑब्वियस सी बात है, बस जो भी था जितना भी था उतना ही देखो भाई, और कुछ नहीं है विशेष में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।